तो दोस्तों कैसे हो, वेलकम बैक। और काफी टाइम के बाद आपको लग रहा होगा यार कहाँ गायब हो गया हूँ। शुरू करते हैं नया ब्लॉग, लेते हैं बजरंग बली का आशीर्वाद। और आपको बताता हूँ ये मेरी ट्रिप की तैयारी हो गई। और ये देखिए सब लगेज तैयार, और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स। तो दोस्तों सफर का शुरुआत कुछ ऐसे है और काफी लंबा है, और इस बार शायद मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, दूसरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ये हो गया है अपनी, खड़ी है लाडो, और ये खड़ी है स्कॉर्पियो N4x4। तो इस बार हम निकल रहे हैं इसमें भाई। और किन के साथ निकल रहे हैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। रवि जी के साथ हमारे ना, तो ये है ऑल सेट, सब सामान वामान सब सेट हो गया है। और दूसरी गाड़ी हमारे साथ स्कॉर्पियो न्यू है, नेहरू न्यू न्यू। तो मिलेंगे रास्ते में, ये तो शुरुआत थी, मिलते रहेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। और आज एक नया दिन, नया सवेरा। और देखिए रवि जी के नमस्कार साथ जी, नमस्कार। और ये आज की ट्रिप हमारी हर हर महादेव का नाम लेके शुरू हो गई है, ओम पर्वत आदि कैलाश के लिए। धारचूला से अभी हम हैं इस वक्त। रवि जी कैसा लग रहा है, एक्साइटेड? थोड़ा सा कंजेस्टेड है। गाड़ियां बड़ी मुश्किल से लगाई हैं और बड़ी मुश्किल से ही निकलेंगी। और ये साथी लोग देखो हुए हैं जी, मेहनत करी थी रात में। बिल्कुल। तो दोस्तों शुरुआत हुई है, बीच बीच में अपडेट आपको मिलेंगे, मिलते हैं फिर। दोस्तों ये धारचूला के तंग गलियों से निकलते हुए ये आगे दो गाड़ियां, फ्यूल पंप में जाना है पहले, देख ले। हाँ, ये टेंगो 4x40 फ्यूल पंप में जाएंगे, पेट्रोल पंप पे। दोस्तों पहाड़ी जो है वो नेपाल, ये इंडिया, बीच में काली नदी। तो ये है एकमात्र धारचूला का जो है पेट्रोल पंप, और डीजल लेके अब हम निकलेंगे यहाँ से तीनों गाड़ियों को फुल करते हुए। तो आगे एवरेज कम मिलेगी गाड़ी की नेचुरली, पहाड़ों में बर्फ में क्या कंडीशन है तो वही है। और ये तो जरूरी था, वहाँ से कम 3-4 किलोमीटर बाहर आना पड़ा है, फिर वापसी होगी अभी। तो आप सामने देख रहे हैं ये पहाड़ नेपाल के, और इस तरफ हम इंडिया में। ये रोड का काम चल रहा है बिल्कुल ऑफ रोड, इतने बड़े बड़े पत्थरों में ऐसे घुमा रही है गाड़ी, कार्य प्रगति पे है। तो दोस्तों ये नेपाल है, ये काली नदी है, और ये इंडिया, और यहाँ पर हम हैं, और हमारी क्या हो रही है, पार्टी पार्टी हो रही है। आपने नेपाल ऐसे करके ये नेपाल है बोला, आपने दिखाया तो नहीं नेपाल। चलो मैं आपका कैमरामैन बन जाता हूँ। अरे सर क्या बात है, ये मेरे सौभाग्य भाई। अच्छा सर एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, क्या डिफरेंस लग रहा है मतलब और जगहों से और यहाँ पर? देखिए नारायण आश्रम तक तो मैं पहले जा चुका हूँ, मतलब पूरा नहीं, बीच में प्रसाद में वापस आना। डिफरेंस है कि अब ये कुछ ही टाइम का है ऑफ रोडिंग, फिर उसके बाद पक्का होने के बाद तो ये भी लद्दाख हो जाएगा जी। तो आराम से आना जाना, फिर कोई ऑफ रोडिंग नहीं है। वैसे ये नेपाल मैं बता देता हूँ ऐसा, और काली नदी, ये इंडिया, और ये तीन दिग्गजों के साथ, दो दिग्गजों के साथ तीसरा दिग्गज हम नहीं है, दिग्गज आप है, और हमें नौसिखी है, ठीक है। और मेरे को तो थोड़ी सी दिल भी दर धड़क रहा है यार कहीं कहीं पर, जब ना बिल्कुल संकरी रोड आ जा रही है और उसके बाद लग रहा है यार बहुत प्यार से निकालना है, क्योंकि अब ऐसी आदत रही नहीं ना, हर जगह अच्छी रोडें हो गई है, काफी सालों के बाद ऐसी रोड पर चलाने को मिला है। तो एक्साइटमेंट और थ्रिल जिसको कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, हम दूसरा टेरेन ढूंढेंगे आपके लिए जी, और उस टेरेन में करेंगे। अभी ऐसा है क्लिप हैंगर जहाँ पे जाना अभी बंद हो जाता है जी 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 जी, ठीक है नहीं, उस रास्ते को करेंगे, वो हिमाचल से हिमाचल पहुँचता है आपका कश्मीर, कश्मीर के लिए कश्मीर पहुँचता है।
उसको भी आपको कुछ बोलना है विष्ट जी? बस गंगा उगड़े हैं और सर दो मिनट का कंटेंट हो गया अब चलिए कंटेंट तो हो गया बट कंटेंट आपसे लेके है तो आपको कैसा लग रहा है ये बताओ। अभी तक तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है आप अच्छा इधर से लाइट आ रही है पूरी ये कैमरा एडजस्ट कर लेता है अच्छी बात इसकी है। चलो अभी तक मजा आ रहा है वहाँ पे जो है स्कॉर्पियो एन में है और मैं अभी बलेरो में बैठा हूँ और उसमें नियो में भी उतने झटके नहीं लग रहे हिल नहीं रहा है थोड़ा सा जो है तशरीफ आपकी मजा आ चलो आगे और मजे आएंगे। तो आप मिस्टर भविष्य हैं और टाटा हैरियर में हमारे साथ जुड़े हैं अल्मोड़ा से और इनका भी यही ट्रेवलिंग का फितूर है जैसे हमें है कीड़ा। तो कैसा लग रहा है भविष्य आपको? सर एक बहुत ही अलग ही बात क्योंकि अब इस तरीके की रोडें देखने को मिलती नहीं है आप कहीं भी चले जाओ तो मेरे को थोड़ा सा जो है घबराहट भी है मन के अंदर चलाते समय जहाँ पर थोड़ा सा टफ टेरेन आ रहा है तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलो मिलते हैं आपने भी ये पहली बार एंजॉय कर रहे हैं तो मजा आ रहा है ना इसमें तो यही होना और हमारा आना सार्थक होना चाहिए जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम सार्थक होना चाहिए तभी मजा आता है। अब जैसे मैं YouTube में वीडियो देखता हूँ तो कहते हैं कि 4x4 ही अलाउड है बट हमको तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन इन्होंने दिया नहीं जैसे कि हमारे पास हैरियर भी है बुलेरो भी है वो तो 2-व्हील ड्राइव है तो ऐसा नहीं हुआ कि मना किया ना हमारी गाड़ियों के बारे में किसी ने पूछा। एक्चुअली ये है कि ये तब होता है अब ऊपर जाके जहाँ पास चेक होंगे ना तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे हमें क्या करते हैं अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। वो ऐसा लग नहीं रहा ये कंडीशन देख के कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी मौसम तो साफ है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखो क्या खूबसूरत पहाड़ है भाई गजब है यार ये तो मानना पड़ेगा साइड से काटनी पड़ेगी। बीआरओ का सैल्यूट है भाई यहाँ पर इतना ऐसी कंडीशन में रोड बना रहे हैं दिखाना जरा नीचे। अरे वाह तगड़ा नजारा भाई साहब तगड़ा वाला है किसके नीचे भाई साहब जरा बताओ किसके नीचे गवर्नमेंट की बात बताता हूँ। देखो कितनी प्यारी लोकेशन है उधर से झरना बह रहा है नीचे देखो यहाँ पर घर बना के रहा जाएगा कितना अच्छा लगेगा। वो नेपाल है ना वो नेपाल नेपाली है मतलब हम इसको नेपाल घोषित। भाई क्या डेंजरस सीन है देखो बिल्कुल आज पैसे वसूलो आज पैसे वसूल अच्छा क्या फील है भाई ये लिया अच्छा उसने नेचर सब देता है गाड़ी गंदी भी करता है तो दिलवा भी देता है सही बात है सबका नंबर आएगा सबका नंबर आएगा। नहीं इसमें सी लगती है